जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो सीरीज जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है ये क्लास 8 है और क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें मुख्य रूप से जनजाति समूहों के बारे में जो है जानकारियां दी गई है, और आपको जो है जनजातियों की जो है क्या रहन सहन होती है, क्या इनका स्वभाव होता है, और इनकी जो है जीविकाएं कैसे चलती हैं, और इनका जो है सामाजिक जीवन कैसा होता है, ये चीजें जाननी है। तो आपको जो है इस चैप्टर को अध्ययन करना होगा। और आपको, आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को जो है इन्हीं आयामों से जो है पढ़ा जा सकता है। किस तरह? जो है से मतलब जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जो है धार्मिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, ये चीज जो है देखने को मिलती है। यानी अगर जो है आपको हिस्ट्री समझना है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री जो है एक तरह से परिवर्तन है। ठीक है, और इसमें जो है कालक्रम का बहुत महत्व होता है। तो अगर आपको परिवर्तन देखना है आदिवासियों का, तो इस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये चीजें जो है हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है, तो ऊपर आई बटन दिया होगा, अगर उसमें आप जो है क्या करेंगे, क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लेंगे जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि जो है कुछ शिकारी जो थे ना, और जो मतलब जो कुछ जनजाति थे, क्या थे? तो शिकारी थे और संग्राहक थे। संग्राहक में क्या होता है मैं बता दूं, संग्राहक मतलब होता है कि भोजन इकट्ठा करने, समझ रहे हैं? जैसे कि संग्राहक मतलब सामान, मतलब एक तरह से इकट्ठा करने वाला। जैसे कि आज क्या होता है कि आज मान लीजिए अगर आपकी जो है मतलब फैमिली है, उसमें अगर 5 मेंबर है, तो उसमें अपने मतलब जो है मतलब ज्यादातर देखा जाता है कि उसमें जो एक मेंबर है, जो मुखिया है, वो क्या करता है? संग्राहक का कार्य करता है। यानी क्या करता है? वो घर के बाहर जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कोई ड्यूटी करते हैं, तो भी तो एक जॉब ही है ना। तो क्या कर रहे हैं? वो संग्राहक कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरह से आप समझ सकते हैं उस तरह। तो क्या है संग्राहक कार्य? वो क्या करेंगे, वो घर की जीविका चलाने के लिए कुछ सामान को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, संग्राहक है। तो उस समय के जो है संग्राहक लोग क्या करते थे, तो जाते थे जंगल में, कुछ पत्तियां तोड़कर लेकर आते थे, कुछ अपने व्यापार करने के लिए कुछ चीजें लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए पलाश का जो है पत्ता है, जो पत्तल बनाने में काम आता है वो है, और कुछ पलाश के फूल होते हैं जिसकी जो है रंगाई में काम आती है, मतलब जो कुछ जरूरी चीजें जो बाहरी लोगों को चाहिए, ठीक है, जिसकी बाहर डिमांड हो, तो क्या करते थे जनजाति लोग, लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, संग्राहक है। और आप जो शिकारी समझते होंगे, शिकारी जो शिकार करने वाला, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। अब पशुओं को शिकार करने का मतलब क्या है कि मतलब वो जैसे क्या करेंगे वो लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई जंगली पशु है, तो उसको मारेंगे और उसको क्या करेंगे, भूज कर या पका कर, जैसे भी क्या करेंगे, अपना पेट भरेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, सब वन्य उत्पादों, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जंगल है, वहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, उस जंगल से कोई मतलब कोई कोई वृक्ष है जिसका फ्रूट है, जो लोग खाते हैं, तो क्या करेंगे, उस फ्रूट को लेकर आएंगे, बाजार में बेचेंगे। ठीक है, और कुछ फूल हैं, कुछ पत्तियां हैं, आज भी देखते होंगे, अगर आप जो है आपको यूपी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपने जब ट्रैवल करते होंगे, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, ठीक है, जो जैसे डेमो, जो छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, तो देखते होंगे कि जो है कुछ लोग हैं क्या करते हैं, कि बहुत सारे जो है पत्तियों का गट्ठर तोड़ते हैं और ट्रेन में लाकर भर देते हैं। बहुत लोग उनकी बुराइयां भी करते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई दूसरे ग्रह से आ गए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास जो है मतलब स्किल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, जनजातीय समूह से वो बिलोंग करते हैं, और उनके लिए वो सामान्य बात है, हम लोग के लिए असामान्य बात है कि वो पत्तियां तोड़कर क्या करेंगे। तो क्या करते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या करते हैं, वो पत्तियां तोड़ेंगे और ले आकर जो मुख्य शहर है, जहां पर उसकी जरूरत है, उसको वहां पर उसकी सेल करेंगे, और सेल करेंगे जो उसका जो पैसे मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे उसे क्या करेंगे लोग, उसका अपना जो है घर का राशन पानी चलाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और फिर जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जिनका जिससे पेट भरेगा वो उसको जरूरी मानेगा ही। तो आदिवासियों का, जनजातीय समूहों का पेट कैसे भरता है, तो इन्हीं जंगलों से। इन्हीं जंगलों से कैसे, इन्हीं जंगलों में जो रहने वाले जो जीव हैं, ये उनको मारते हैं, उनको मारकर अपना जो है पेट भरते हैं, और क्या करते हैं, तो इन्हीं जो वन में जो है, जैसे कि फ्रूट हो गया, कुछ ऐसे उत्पाद हो गए, कुछ लकड़ियां हो गई, उसको ये बेचकर अपना घर चलाते थे। ठीक है, इसलिए क्या मानते हैं वो लोग, तो जंगल को बहुत जरूरी मानते हैं, जंगलों की पूजा भी करते हैं जनजाति लोग। आज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जंगलों का कोई मानने वाला है तो जनजाति लोग ही है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, खोंड क्या है, समुदाय है, याद रखेंगे कि खोंड समुदाय कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलती है लोग, तो उड़ीसा में। ठीक है,
यही जो है इसी तरह का एक जो समुदाय था, इसके बारे में बताया गया है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। लोग क्या करेंगे, टोली बनाएंगे, मतलब 10 लोग ग्रुप समझ लीजिए। तो लोग क्या करेंगे, 10 लोगों का, 15 लोगों का, या हो सकता है कि 100 लोगों का ग्रुप बनाकर निकले और शिकार करते होंगे, ठीक है। कोई अगर भारी जानवर मिल गया तो उसका सामना कैसे करेंगे, अकेले तो कर नहीं पाएगा कोई। इसलिए क्या करते थे लोग, ग्रुप पे निकलते थे। इसलिए कहा गया है कि ग्रुप इज द पावरफुल, ठीक है, ग्रुप में रहना चाहिए। ग्रुप क्या, इसी तरह आप देखते नहीं है कि जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वहां पर जो मतलब जो मीटिंग होती है उसमें क्या क्या आता है, तो ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे जैसे G7 हो गया, G20 हो गई, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो क्यों बने हैं, क्योंकि मुश्किल समय में सब लोग मिलकर साथ देंगे एक दूसरे के, ठीक है, इसीलिए ग्रुप बनते हैं। तो इन लोगों को जो हाथ लगता था उसे आपस में ये लोग क्या करते थे, बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़े खाते थे। जैसे जड़े में से मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिनके जड़ों को लोग खाते होंगे, ठीक है। जैसे जड़े में, जैसे जड़े वाले आजकल नहीं देखते हैं, जैसे जड़े वाले में जैसे आलू हो गया, ठीक है, गंजी अपने ने सुना हो, जैसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनकी जड़ें खाई जाती है। वही बात है, ऐसे नहीं समझ लिया कि जो है बरगद की जड़ें वो लोग खा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझना है। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का जो है तेल इस्तेमाल करते थे। कैसे, किसका तेल इस्तेमाल करते थे, तो महुआ आपने खा होगा, और जो साल नमक एक वृक्ष होता है उसके, उसी से जो है, जो उसका जो फ्रूट से जो तेल निकलता है उसके बीज से, तो उसी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। इलाज के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे जो है जंगली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी देख रहे हैं ना कि बड़ा आजकल जो है यूट्यूब पर बड़ा चर्चा में है, कि जो है देख रहे हैं कि जैसे कि कुछ जेंट्स लोग हैं खूब इतने लंबे लंबे बड़ा जो है बाल बड़ा कर रहे हैं, तो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जनजातियों जो है जनजाति क्षेत्र से, ठीक है। और वहां पर ये लोग प्राकृतिक चीजें यूज करते हैं। वो बहुत सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग जाकर खुद देखेंगे तो, क्योंकि बालों की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है सबको। और जंगलों से लोग क्या करते थे, तो जो है इकट्ठा हुई जो चीजों को स्थानीय बाजार में बेचते थे, ठीक है। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को, यानी जो चमड़ा कारीगर है, बुनकर है, जो क्या करता है, जो कपड़ा मतलब जो है कपड़ा बुनता है या कोई मतलब जो काम करता है अपना, तो उसमें जो है कपड़ा व चमड़ा, ठीक है, यानी जो बुनकर जो कपड़ा बना रहा है, तो कपड़े में जो पेंट का कार्य होगा, यानी जो कलर का जो चाहिए, ठीक है, और जो चमड़े भी अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी कलर की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों में अगर कलर की जो जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो रंगाई के लिए लोग क्या करते हैं, तो कुसुम और पलाश के फूलों, पलाश का वृक्ष देखे होंगे, उसका फूल बहुत जो है लाइट मतलब अच्छा होता है, बेहद होते हैं, और पलाश से जो है पत्तल भी बनाए जाते हैं पलाश के ब्लेड से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जो है इन्हीं फूलों की जरूरत होती थी, और ये किससे लेते थे, ये लोग जो है खोंड समुदाय, अपने जो देखा ना पिछले कि जो है उड़ीसा में जो कौन रह रहा है, तो खोंड समुदाय रह रही है, तो ये लोग जो है उसी खोंड समुदाय से डिमांड करते हैं कि मुझे क्या करिए, कि जो है कुसुम और पलाश के फूल को लाकर दीजिए। जिससे लोग क्या करेंगे, तो जो बुनकर है क्या करेगा, कपड़ा बनाएगा तो उसमें प्रिंटिंग करेगा, और जो चमड़ा जो कारीगर है, ठीक है, जो चमड़ा से जो है कारीगरी करता है वो क्या करेगा, तो इन्हीं फूलों से अपना जो है और जो चमड़े के निर्माण करेगा, ठीक है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, अब ये भी सवाल है कि इन लोगों को जो है चावल कहाँ से मिल रहे हैं, अनाज कहाँ से मिल रहा है, तो आपको पता होगा कि एक विनिमय का भी चलता था सिस्टम, ठीक है ना। तो कई बार ये लोग क्या करते थे कि जो चीजों की अदला बदली से काम चला लेते थे। जैसे मान लीजिए गए अपना सामान दिए और वहां से चावल मांग लिए, भाई हमको चावल दे दो, पैसा मत दो, क्या दो, चावल दे दो, ठीक है, चावल दे दो, गेहूं दे दो, ठीक है, ये चीजें। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें मांग लेते थे, मतलब बोल देते थे भाई मुझे जो है पैसे मत दीजिए, अब मुझे क्या चाहिए, चावल की जो है नहीं है तो चावल दे दीजिए। आज भी गांव में होता है, आपने देखा होगा कि जो है घर में देखा होगा कि भाई गांव में जो कुछ ऐसे गाड़ी चलाने वाले हैं, कुछ लोग जो ठेला चलाने वाले हैं, आपका घर का काम कर देते हैं, तो बहुत हमारी जो है मम्मी क्या करती हैं, तो क्या करेंगी कि जो है वो आएंगे लोग तो कहेंगे अरे आंटी क्या करिए कि पैसे मत दीजिए चावल दे दीजिए। तो चावल में फायदा होता है, घर के लोग जो है गांव में जिसकी जो है खेती हो रही है वो लोग चावल बढ़ाकर दे देते हैं, तो क्या करते हैं मतलब एक तरह से विनिमय हो गया, उसने यहाँ पर काम किया उसके बदले में क्या मिल गया, चावल मिल गया, ठीक है, ये चीजें। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपने मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। भाई कभी कभी विनिमय नहीं हो पाएगा तो भाई पैसे से जो रहेगा क्या करेगा, सामान खरीदेगा। उनमें से कई लोग जो है आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे, कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था इससे, ठीक है। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ते थे, ठीक है, जब भी मतलब हमेशा तो है नहीं कि जो है हमेशा जो है वृक्ष है हमेशा सालों साल फ्रूट देगा, नहीं देगा ना,
तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। अब देखिए आदिवासियों की समस्या क्या है भाई, जब तक जो है जब तक उन लोग के पास जो है वृक्ष है, ठीक है, और जो वृक्ष में जब फल लग रहे हैं, जब उससे उत्पाद निकल रहे हैं, कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तब तक इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कल्पना करिए कि जो है उससे फ्रूट निकलना बंद हो जाए, ये लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे ना। तो उस समय इन लोगों को जो है मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था, और यहीं पर इन लोगों को समस्याएं देखने को मिलती है। और जब समस्या होती है, जब आप मजबूर होते हैं, जब आपके खाने के लिए जब पैसे नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो गरीबी में आप जो है जाते हैं, और वहीं जो है आपको ऋण वाली व्यवस्थाएं शुरू होती हैं, जो हम लोग आगे देखने को मिलेगा। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के होएगा, औरों के लिए जो है काम करने से कतराते थे, यानी कुछ और भी जो है समुदाय थी जो दूसरे का काम करना नहीं चाहते थे। बैगा जो है खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब एकदम जो है निर्भर हो जाते हैं किस पर, उसी फॉरेस्ट पर, उसी वन पर, कि हमको जो है इसी से ही अपना क्या करना है, तो गुजारा करना है, मुझे जो है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात है। जो बैगा जो समुदाय है, जो कहाँ पाई जाती थी, तो जो है मध्य भारत में पाई जाती थी। तो ये लोग क्या मानते थे, ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि जो है मतलब ये लोग मानते थे कि जो है मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे मजदूरी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बस कहाँ से गुजारा करना है, तो जो जंगल से जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसी से हमारा जो है गुजारा करना है। और अगर बाहरी से कर लिए तो लोग अपने को जो है अपमान मानते थे। ठीक है, जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। वे व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। अब जाहिर सी बात है, समझ रहे ना, सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। जब मतलब जब तक देखिए ये जो आदिवासियों की समस्या क्या है, जनजातियों की, जब तक इनके पास वृक्ष है, जब वृक्ष फ्रूट दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तब तक तीन लोग भाई गुजारा बढ़िया चलता है। ठीक है, लेकिन जब जो है कभी ऐसा भी तो मौसम होगा जब जो है वृक्ष पर फल ही लग रहे हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं, तो बाहरी चीजों पर निर्भर होना पड़ता है इन लोगों को। अब इन लोगों को जो है कर्ज लेना पड़ता है, किससे लेना पड़ता है, इन्हीं महाजनों से और सूदखोरों से। इस और ये लोग भाई जाहिर सी बात है, जब किसी को मजबूरी होगा तो क्या करेंगे, ये लोग ऋण बढ़ा देते हैं। अभी गांव में कुछ लोग ऐसे देखते होंगे, अभी भी ऐसे बेवकूफ लोग पड़े हैं कि गरीबों का कैसे फायदा उठाते हैं, क्या करेंगे कि पैसे ले लेंगे और उनको जो है बहुत ज्यादा ब्याज पर दे देंगे देंगे भाई, मजबूरी भी है, कोई और देगा भी नहीं। अगर गरीब कोई व्यक्ति है कहीं जाए उधार मांगने, उसको कोई देने वाला है, नहीं देने वाला है, तो फिर उसका जो है वो लोग फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन इसका ब्याज क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, आपको पता है। ठीक है, इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। ठीक है, लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। अब लोग मानेंगे ना, क्योंकि भाई लोग वैसे हैं, इसी महाजन की वजह से, इन्हीं व्यापारियों की वजह से अभी लोग क्या हो रहे हैं कि मतलब जो है इतना ब्याज लोग ले ले रहे हैं कि इनको अभी लोग दुश्मन मान रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये मेरे लिए सही नहीं है, और ये लोग जो है शैतान है। ठीक है, तो और भाई और चीजें शोषण होती होंगी जो हर बात बुक में नहीं लिखी जा सकती है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। तो ये बातें रही होंगी व्यापारी द्वारा शोषण में क्या, मतलब तो बोला जाता होगा कि दूसरे पर धरा भी देते होंगे, भाई कर्जा दे दे, मेरा पैसा दे दे। ठीक है, तो ये जो है कुछ लोग क्या करते थे, तो जानवर पालते थे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए कमेंट में, नहीं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।